हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगेस्ट ट्यूटोरियल्स। और आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बजट डिफिसिट। चैप्टर हमारा चल रहा है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, और आज का वीडियो पार्ट थ्री है इस चैप्टर के ऊपर और लास्ट पार्ट है। ठीक है, आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा। इससे पहले दो पार्ट बन चुका है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था गवर्नमेंट बजट का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड पार्ट में हमने देखा था कॉम्पोनेंट्स ऑफ बजट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने सेकेंड वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिएगा, फिर इसको देखिएगा। ठीक है, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को। आज है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ बजट। तो मेनली तीन टाइप ऑफ हमें बजट टाइप्स ऑफ बजट डिफिसिट है आज का हमारा टॉपिक। तो हमें तीन टाइप का बजट डिफिसिट देखने को मिलता है। पहला है रेवेन्यू डिफिसिट, दूसरा है फिस्कल डिफिसिट, और तीसरा है आपका प्राइमरी डिफिसिट। ये रहा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स। इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉम्पोनेंट्स ऑफ बजट। तो हमने देखा था कि बजट जो है दो टाइप में बढ़ जाता है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो रिसिप्ट भी दो टाइप का है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब यहाँ पे अब सिर्फ दो चीज़ का बात किया जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से कितना बड़ा है, उस गैप को रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, तो वही डेफिनेशन लिखा हुआ था। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ में आ गया? इतना फॉर्मूले के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, और हम लोग चाहे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग खोल सकते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग लिख दिया टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट डाला हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया आपको रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू डिफिसिट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिस्कल डिफिसिट पे। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है? तो आज के वीडियो में हम लोग मीनिंग को देखेंगे, साथ साथ इसका इम्प्लीकेशन भी देखेंगे। रेवेन्यू डिफिसिट का भी फिलहाल हम लोग मतलब समझ गए, इसका इम्प्लीकेशन, इसका इफेक्ट क्या क्या होगा वो भी हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिस्कल डिफिसिट क्या होता है। फिस्कल डिफिसिट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट। तो इसमें रेवेन्यू नहीं, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर का बात किया जाता है और टोटल रिसिप्ट का बात किया जाता है, लेकिन एक शर्त है यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, बोरोइंग को छोड़ के। तो उस चार्ट से अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम लोग सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट को सिर्फ माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? रेवेन्यू डिफिसिट मिलता है। ठीक है, अब हमें अगर चाहिए फिस्कल डिफिसिट तो हमें क्या करना होगा? टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट को अगर हम माइनस करेंगे तब हमें मिलेगा फिस्कल डिफिसिट। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन था वहाँ पे, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ये जो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर में आप देख रहे हैं बोरोइंग, ये बोरोइंग उसमें से हटा देना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए एक बार फिर से देखते हैं डेफिनेशन को। ये रहा, फिस्कल डिफिसिट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, यहाँ तक ठीक है। मतलब फिस्कल डिफिसिट इक्वल टू हो गया टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिप्ट और साथ में एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अगर फॉर्मूले में लिखना चाहे तो फिस्कल डिफिसिट इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या लिख दिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और बजट रिसिप्ट को हमने क्या लिख दिया? रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यहाँ तक ठीक है। चलिए अब क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि फिस्कल डिफिसिट शोज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल डिफिसिट शो करता है कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करना पड़ेगा, कितना उधार लेना पड़ेगा ड्यूरिंग द बजट ईयर। और क्या शो करता है? फिस्कल डिफिसिट रिफ्लेक्ट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर फाइनेंसिंग द एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। तो सरकार को बोरो करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर के लिए भी और साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट भी करना होगा उधार लेके ही। ठीक है, तो फिस्कल डिफिसिट का अगर फिर से फॉर्मूला लिखना चाहे तो हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, और रिसिप्ट में हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कैपिटल रिसिप्ट और साथ साथ एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स लिखेंगे। इसको अगर और एक्सपेंड करना चाहे हम लोग तो लिखेंगे फिस्कल डिफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग खोल दिए। रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों को माइनस करेंगे, और कैपिटल रिसिप्ट को भी हम लोग यहाँ पे खोल दिए हैं। वो हो गया आपका रिकवरी ऑफ लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट, साथ साथ बोरोइंग्स भी होता है, लेकिन हमने यहाँ पे लिख रखा है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो इसलिए हम लोग बोरोइंग माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, इसका मतलब फिस्कल डिफिसिट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सरकार को कितना बोरो करना पड़ेगा
डिफिसिट को पूरा करने के लिए वो कहलाएगा, वो बोरोइंग कहलाएगा फिस्कल डिफिसिट। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए अब कुछ देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिस्कल डिफिसिट इंडिकेट करता है द एडिशनल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नीडेड टू मीट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, सरकार को खर्चा पूरा करने के लिए और कितना पैसा चाहिए वो इंडिकेट करता है फिस्कल डिफिसिट। नंबर टू, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द इंक्रीज इन फ्यूचर लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। आपको पता है कि इसको पूरा फिस्कल डिफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को उतना ही बोरो करना पड़ेगा, और बोरोइंग जो है एक टाइप का लाइबिलिटी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और साथ साथ सरकार को इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, लोन रीपेमेंट करना होगा, तो ये सब एक टाइप का लाइबिलिटी है। द गवर्नमेंट हैज़ टू पे बैक द बोरोड अमाउंट विद इंटरेस्ट इन फ्यूचर। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द गवर्नमेंट हैज़ टू आइदर बोरो मोर फ्रॉम द पीपल और टैक्स पीपल मोर इन फ्यूचर टू पे इंटरेस्ट एंड लोन अमाउंट। सरकार अपना खर्चा पूरा करने के लिए क्या तो बोरो करेगी लोगों से या फिर टैक्स बढ़ा देगी ताकि वो अपना इंटरेस्ट और लोन अमाउंट दोनों पे कर पाए फ्यूचर में। यहाँ तक ठीक है, तो ये हमने समझ लिया फिस्कल डेफिसिट। तो फिलहाल आपको याद क्या करना है, यहाँ से सिर्फ आपको इतना याद करना है, इसका डेफिनेशन याद कर जाइए यहाँ तक, और इसका ये फॉर्मूला और ये सब दो तीन जो फॉर्मूला है ये तीनों आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग प्राइमरी डेफिसिट पे। इधर से सिर्फ आपको समझना था, यहाँ से इसको याद नहीं करना है। ठीक है, चलिए प्राइमरी डेफिसिट देखते हैं क्या होता है। अब हमने देखा था ऊपर फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है, सरकार को कितना बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है। प्राइमरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स। सरकार बोरो करती थी खर्चा पूरा करने के लिए और साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए। ठीक है ना, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम लोग बोरोइंग को रखें और इंटरेस्ट को माइनस कर दें, ठीक है, तो जो हमें मिलेगा वो कहलाएगा प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट भी एक टाइप का फिस्कल डेफिसिट है, लेकिन उसमें एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट है। ठीक है, यहाँ तक। तो प्राइमरी डेफिसिट शोज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी बोरोइंग रिक्वायरमेंट शो करता है फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट से भी यहाँ से माइनस है। तो फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में यही अंतर है कि फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है और प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये हो गया ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला। और अगर आपको नेट प्राइमरी डेफिसिट निकालना है तो हम लोग कर लेंगे फिस्कल डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट रिसीव यहाँ पे कर लेंगे और माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, ये हो गया दो फॉर्मूला। तो अब देखिए सरकार जो ये डेफिसिट जो है वो पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, थ्री वेज अपनाती है टू फाइनेंस डेफिसिट। किसी भी ऊपर दिया गया कोई भी टाइप का डेफिसिट हो उसको पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, तीन वे से पूरा करती है। दीज आर, नंबर वन, सरकार क्या तो बोरो करेगी फ्रॉम पब्लिक या फिर फॉरेन गवर्नमेंट। सरकार अगर पब्लिक से बोरो करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल बोरोइंग, और अगर फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो करती है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल बोरोइंग। ठीक है, नंबर टू, और सरकार क्या कर सकती है, सरकार क्या कर सकती है कि RBI से उसका जितना भी कैश बैलेंस है वहाँ से रिजर्व कर सकती है, वहाँ से विड्रॉ कर सकती है। ठीक है, और नंबर थर्ड क्या कर सकती है, सरकार बोरो कर सकती है RBI से। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये जो तीन तरीका हमने देखा, तो सरकार इस तीनों में से मेनली फर्स्ट वाले को प्रीफर करती है बोरो करने के लिए। क्योंकि ऐसा क्यों करती है, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑर्डिनरीली प्रीफर्स टू आइदर बोरो फ्रॉम सिटीजन्स और फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग कैश बैलेंस हेल्ड विद द RBI और बोरोइंग फ्रॉम इट। कैश बैलेंस नहीं निकालती है या फिर RBI से बोरो भी नहीं करती है, वो सीधा पब्लिक या फिर गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट से लेना प्रीफर करती है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार RBI या फिर RBI से भले ही कैश बैलेंस विड्रॉ करे या फिर बोरोइंग करे, RBI से अगर पैसा आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, और मनी सप्लाई इंक्रीज करने से जो चीज़ों का जो दाम है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इंक्रीज इन प्राइस भी तो क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। तो इन दोनों से अगर सरकार पैसा लेती है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि इन्फ्लेशन हो जाएगा इकोनॉमी में। तो सरकार मेनली यहाँ से पैसा लेना प्रीफर करती है फर्स्ट वाले ऑप्शन से। ठीक है, तो ये छोटा सा बात आपको दिमाग में रखना है। ये रहा, एनी मनी डेट फ्लोज आउट ऑफ द RBI इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड इंक्रीजेज द प्राइसेस ऑफ इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ तक चलिए। तो ये हमने देख लिया तीनों का डेफिनेशन, अब हम लोग आते हैं इम्प्लीकेशंस पे, इसका इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफेक्ट, इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट द गवर्नमेंट मे हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स इन द कंट्री, दिस लीड्स टू लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। जब रेवेन्यू डेफिसिट हो गया तो सरकार
कुछ पैसा रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने में लगाएगी। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या है कि सरकार का अर्निंग कम हुआ है, रिसिप्ट कम हुआ है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है, तो सरकार जो 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 पैसा जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर सकती थी उस पैसा से वो क्या करेगी, डेफिसिट पूरा करेगी। तो जो जो पैसा तो कम गया ना वेलफेयर प्रोग्राम के लिए, तो इससे क्या होता है, लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर होता है। ये पहला इम्प्लीकेशन है, ठीक है। दूसरा इम्प्लीकेशन क्या होगा, द गवर्नमेंट मे हैव टू रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग। सरकार को बोरो करना पड़ सकता है और जितना बोरो करेगी उतना लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड इम्प्लीकेशन क्या होगा, द गवर्नमेंट मे बी कंपेल्ड फॉर डिस इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो डिस इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, सरकार को अगर पैसा का जरूरत पड़ा तो सरकार कुछ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस भी बेच सकती है, ठीक है। तो ये होगा तीन इम्प्लीकेशंस ऑफ द रेवेन्यू डिफिसिट। अब हम लोग आते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डिफिसिट या फिर प्राइमरी डिफिसिट, दोनों का इम्प्लीकेशन सेम है, ठीक है। अगर आपसे फिस्कल डिफिसिट का इम्प्लीकेशन पूछे या फिर प्राइमरी डिफिसिट का पूछे तो आप यही सेम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, नंबर वन, अगर फिस्कल डिफिसिट हुआ तो आपको एक्सटर्नल बोरोइंग करना पड़ेगा, एक्सटर्नल बोरोइंग या फिर इंटरनल बोरोइंग दोनों ही करना होगा। तो अगर सरकार एक्सटर्नल बोरोइंग करती है तो इससे क्या होगा, हम लोग का डिपेंडेंस बढ़ जाएगा ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरे कंट्रीज पे, IMF पे, वर्ल्ड बैंक पे हम लोग का डिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं होता है, तो ये पहला इम्प्लीकेशन होगा। नंबर टू, और आपको पता है कि जितना बोरोइंग करेंगे उतना हम लोग का लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज इन फ्यूचर लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट भी पे करना होगा और लोन भी रीपेमेंट करना होगा, तो ये लाइबिलिटी बढ़ता है। थर्ड इम्प्लीकेशन क्या है, अगर सरकार RBI से बोरोइंग करती है तो इससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा और मनी सप्लाई से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। और फोर्थ है डेट ट्रैप सिचुएशन। डेट ट्रैप कब क्या होता है, कब होता है, जब बहुत ज़्यादा लोन अमाउंट बढ़ जाए और सरकार का ज़्यादातर रेवेन्यू इंटरेस्ट पेमेंट करने में और लोन रिपेमेंट करने में अगर जा रहा है तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेट ट्रैप पेमेंट। तो ऐसा होने का बहुत ज़्यादा चांस है अगर फिस्कल डेफिसिट हुआ तो। तो बस इतना ही है, फिर ये हो गया चार इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट या फिर प्राइमरी डेफिसिट, और तीन इम्प्लीकेशंस हो गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट का। इतना आपको तैयार कर लेना है और आपका एग्जाम में बहुत कम चांस है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इतना ही है फिर आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को एक लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए। इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये दोनों को हम लोग ख़त्म करेंगे और इस वीडियो के साथ ये चैप्टर जो है एंड होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।